अनसक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि मतलब मेरा तो ग्रुप टू तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है। हे एवरीवन, दिस इज विवेक गहलोत, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करते हैं एक्सपेक्टेड सीए इंटर सीए फाइनल रिजल्ट डेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये जो सीए नोट्स है ये बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 9th of January अर्ली मॉर्निंग में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नीतीश बंसल सर है, नीतीश बंसल सर, वो बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है 5th और 6th of January के बीच में आने वाला है। देन जो दिनेश खंडेलवाल सर है ये बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है 5 से लेकर 10th of January के बीच में आ सकता है। तो इससे एक बात तो साफ साफ क्लियर है कि 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, मैक्सिमम 12 जनवरी, इसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, यानी सेकेंड ऑफ वीक। और एक और बात देखी जाए, जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम है वो 6 जनवरी को फिनिश हो रहे हैं। तो 7, 8 और 9, ये मेरे हिसाब से 3 एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है, 7, 8 और 9। सबसे पहले सीए फाइनल वालों का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद सीए इंटर वालों का रिजल्ट आएगा। बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ, मेरा मतलब 1.5 महीना कैसे निकल गया वो भी पता नहीं चला, ना तो कोई स्टडीज़ हुई है ना कुछ हुआ है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है कि जब से मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट ले दो ताकि काम आगे बढ़े, ठीक है। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आए। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो 7th of January, 8th of January या 9th of January है, ठीक है। और रिजल्ट का जो टाइमिंग रहता है वो मॉर्निंग रहता है, शायद 11 PM तक, AM तक सॉरी, ठीक है। तो सुबह 11 बजे तक आपका रिजल्ट, हमारा रिजल्ट, आपका क्या, मेरा भी रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आएगा सीए फाइनल वालों का, देन इसके बाद सीए इंटर वालों का रिजल्ट आएगा, हो सकता है साथ में भी दे दे। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है जहाँ से ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक। और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अब ओल्ड प्रॉब्लम बहुत सारी है, ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम के बाद अब जो भी होगा सब न्यू स्कीम में होगा। अगर सॉरी अनसक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि मतलब मेरा तो ग्रुप टू तो होने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता है ग्रुप वन के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई है, मतलब 70% हो जाना चाहिए, 30% नहीं हो सकता ओवरऑल ICA के हाथ में, ठीक है। तो वो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस चक्कर में ना तो पढ़ाई हुई, क्योंकि मन से लग रहा है कि मतलब अंतरात्मा जवाब दे रही है कि हाँ भाई पास हो जाएगा, लेकिन अब पता नहीं कि क्या आगे होने वाला है, ठीक है। जब से अब रिजल्ट आ रहा है मतलब एक दिन गिन गिन के निकाल रहा हूँ कि जाए। तो वेट करते हैं कि होता क्या है। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी के डाउट के लिए कि भाई कि मतलब ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में क्या चेंजेस है, मतलब कॉप अप हो पाएगा, यानी सारी चीज़ों के लिए मैं एक एपिसोड लेके आ रहा हूँ, मेरी सीरीज़ बातचीत का एपिसोड 2, जिसमें मैं इन सारे सवालों का जवाब एक स्टूडेंट से लूँगा जो इन सब चीज़ों के बारे में पता है, जो ओल्ड स्कूल में भी पढ़ रहे थे, नई स्कूल में भी पढ़ रहे थे, तो उनको पता है कि किस चीज़ में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी वो रिकॉर्ड करके लाऊँगा, तो बातचीत सीरीज़ को देखना ना भूले, उसका एपिसोड 1, ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से सही ना हुआ, लेकिन दूसरा एपिसोड प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। तो बातचीत का जो एपिसोड 2 है वो मेरे दूसरे चैनल विवेक गहलोत पे देख लेना, ये विवेक गहलोत 2 पे आएगा, मतलब दोनों चैनल ही मेरे हैं, ठीक है। ये मेरे पास पुराना चैनल था जो जिस पे मतलब मेरा पहला पुराना चैनल था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को भेजो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।